वाटर प्रूफ है, आप स्विमिंग पूल में डाल देना इसको, कुछ नहीं। और ये जो है सब पीतल है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। इधर आ जाइए आप, जादू देखिए आप, पैसा दे रहे हैं ना भाई साहब। ये देखो, इसको पानी में डाल देना, ना कलर उतरेगा ना कुछ उतरेगा। ये इसकी खासियत है, ये इसकी क्वालिटी, पूरा फ्रास है। 17 किलो पीतल भरा है हमने इसमें, 17 किलो। इसके लिए मुझे काफ़ी अवार्ड मिले, काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है। ये कपिल शर्मा का जो फर्स्ट बना था स्टेज वगैरह, अच्छा, सबसे पहला उसमें ये डिज़ाइन दिया है, मतलब तो यही सेम सबसे सब पहला वाला सीजन। हाँ, हाँ, पहले वाले सीजन में अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाएंगे, हाँ, वो वीडियो देखेंगे तो यही सेम है, खाली कलर दूसरा। तो जैसे मैंने कहा था कि इनके जो फर्नीचर है वो कई सारे मूवी सेट में शोज में सप्लाई होते हैं, तो ये उनमें से एक है। जर तुम्ही पुणे का असाल, भी ब्रिजिंग मध्ये राहत असाल, तर लक्की घेऊ शकता झोपा, पुण्याची शान है। आपको इस वीडियो में चैलेंज देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ना आप किसी और दुकान से फर्नीचर खरीदोगे नहीं, क्योंकि ये जो शॉप है ना वो इंडिया का बेस्ट फर्नीचर शॉप है। बहुत दूर दूर से लोग खरीदने आते हैं फर्नीचर। तो अगर आपको बेस्ट फर्नीचर का वीडियो देखना है तो आ जाओ, बस दिखा दूंगा। हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ आनस हैंडीक्राफ्ट इस स्टोर में, तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली लास्ट ईयर जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैंने 2 ब्लॉग शूट करके गया था यहाँ पे, तो उसके बाद से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी वजह से टाइगर सर जो है हमारे, उनकी भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो सब मतलब इन चीज़ों के कारण वापस से हमें शूट करने का मौका नहीं मिला। बट अभी एक साल बाद वापस से मैं आया हूँ। और ये जो आनस हैंडीक्राफ्ट है ना, उसके बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊँ तो गूगल इन्हें हाईली रिकमेंड करता है। जो भी सेलिब्रिटीज़ है ना, पॉलिटिशियंस है ना, बड़े बड़े लोग हैं ना, तो सब लोग इनके यहाँ से फर्नीचर खरीदते हैं। मतलब जैसे अगर एग्जांपल दूँ तो शरद पवार साहेब हो गए, हीना खान, सोनू सूद सर, विवेक बिंद्रा सर, तो ऐसे बहुत सारे लोग इनसे फर्नीचर खरीदते हैं। और जो टाइगर सर है ना, वो 21 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड विनर है, और हाल फिलहाल में उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई है, और तो अभी वो डॉक्टर टाइगर आनस बन गए। तो और जो भी आप टीवी शोज या फिर मूवी सेट्स में जो सोफ़ा सेट देखते हो या फिर फर्नीचर देखते हो ना, तो ये भी यहाँ से लोग खरीदते हैं। तो बहुत कुछ बता दिया टाइगर सर के बारे में। तो अगर आप पुणे में रहते हो ना, तो इस शॉप को ज़रूर एक बार विजिट करना। और अगर आप पुणे से बाहर रहते हो ना, तो आप इनसे एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं जो फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो पैन इंडिया ये जो फर्नीचर है वो डिलीवर करते हैं। तो जो लोकेशन है ना इनका, वो एकदम अरोरा टावर्स के सामने है, जो कि 50 साल से है यहाँ पे। और जो नज़दीकी लैंडमार्क है ना, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक है। तो इसका भी जो गूगल मैप का लोकेशन है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। तो एक्चुअली आनस हैंडीक्राफ्ट के 2 स्टोर है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो सबसे पहले ऊपर वाले स्टोर में जाते हैं, और फिर जो नीचे वाले स्टोर है जहाँ पर हमारे टाइगर सर है, तो फिर वहाँ पर जाते। तो यहाँ से है एंट्री, तो चलते। सही है यार स्टोरी है, एकदम राजा महाराजा वाली फील आती है। एक तो इतनी धूप है ना, वाह, ये जो मतलब जो कुशन है ना, एकदम सॉफ्ट है। मतलब जैसे मैं बैठा ना, आई वाज लाइक कि मजा आ गया, सब बढ़िया है। मतलब जो एकदम ऑरा है ना यहाँ का शॉप का, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम ऐसे रॉयल फील देता है आपको। और सबसे पहले मेरी नज़र जो गई ना, वो इन सब अवार्ड्स और फोटोग्राफ्स पे गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, इतने सारे फोटोग्राफ से मतलब जितने भी बड़े बड़े हस्तियों के साथ मुलाकात हुई ना सर से, तो उन सब के फोटोज है। तो जैसे विवेक बिंद्रा सर हो गए, सोनू सूद सर भी है यहाँ पे, तो बहुत सारे जो अवार्ड्स के फोटोज है वो भी लगाए रखे हुए। उसके बाद जो एक्चुअल में अवार्ड है वो भी यहाँ पे रखे गए हुए हैं। और यहाँ पे प्यारी सी गणपति जी की मूर्ति भी है। जो ऊपर का मेन स्टोर है ना वो देख लिया है, अभी जो नीचे वाला स्टोर है ना उसमें जाते हैं। तो थोड़ा सा ही एकदम मतलब जल्दी की है, हम आ गए नीचे वाले स्टोर पे। तो आप देख सकते हो, तो कुछ ऐसी यहाँ पे एंट्री, टाइगर आनस लिखा हुआ है। और आप बाकी के सारे पोस्टर भी देख सकते हो, मतलब पुलिस वाले से लेके मतलब हर प्रोफेशन वाले बंदे यहाँ से फर्नीचर खरीदते हैं। तो अभी जो नीचे वाला स्टोर है उसके अंदर चलते हैं और टाइगर सर से। तो ये रहा आनस हैंडीक्राफ्ट का दूसरा स्टोर, तो अंदर चलते हैं और जो फर्नीचर के जो लेजेंड है टाइगर सर, उनसे मुलाकात करते हैं। चलो अंदर। वाव, क्या ही बढ़िया है। मतलब मैं लास्ट ईयर जब आया था ना, तो भी इतना ही ब्यूटीफुल था,
बट अभी जब आ रहा हूँ ना तो वो और ऐसे क्या बोल सकते हैं, एनहांस होके दिख रहा है मेरे को, और काफी सारे जो नए फर्नीचर है वो दिख रहे हैं। और अभी आप देख सकते हो तो ये है टाइगर सर के जो इनिशियल्स, वो यहाँ पे कार्व किए गए हुए हैं, और मतलब एकदम मतलब फोटोजेनिक लग रहा है, मतलब इतने मतलब हर कोने में ना इतने बढ़िया बढ़िया फोटो आएंगे ना, और एकदम ऐसे शीश महल की तरह लग रहा है, मतलब आपकी ऐसे रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको खुद का। और जो आप सारे इतने फर्नीचर देख सकते हो ना भाई, इतने मैंने फर्नीचर, इतने बढ़िया फर्नीचर आज तक कभी जिंदगी में देखे नहीं है। तो फाइनली जो फर्नीचर के लेजेंड है टाइगर अनर सर, वो फाइनली मिल चुके हैं बहुत टाइम बाद। तो ये जो सर है, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी जो नए ऑडियंस है उनके लिए बता देता हूँ। तो ये 21 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड विनर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, और गूगल इन्हें हाईली हाईली रिकमेंड करता है। तो सर मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और आप कुछ कहना चाहोगे? जय महाराष्ट्र मित्रानु, कैसे हैं? मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, जैसा कि सबको पता है फर्नीचर गुरु मेरा चैनल है, इंस्टा फेसबुक यूट्यूब पिंटरेस्ट सब जगह हूँ मैं। कभी कभी जब ऐसे प्यारे प्यारे लोग आ जाते हैं मिलने, तो फिर मैं इनके लिए बताता हूँ। ये जो फर्नीचर है, वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, इसीलिए मैं मिला हूँ इन्हें। और ये वीडियो बहुत धमाकेदार, पावरफुल, मज़ेदार होने वाला हूँ, इस पर आपको बहुत कुछ पता लगेगा, आपके लाखों रुपए सेव हो जाएंगे, लाखों रुपए। 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में लाखों रुपए बचत हो जाएगी। आपको फर्नीचर लेना है ना, ड्रीम हाउस बनाया है ना, तो ये फर्नीचर देख लेना, खरीदना मत, आइडिया लेना, यूट्यूब पे सारी वीडियो देख लेना, इससे भारी वीडियो नहीं मिलेगी। मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, क्योंकि ये देशी फर्नीचर है, देसी। और जब देश की बात हो ना, तो बस सबको खड़े हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, सब देखना है सब, और सपोर्ट करो मेरे भाई को, हम मराठा है, मराठा मराठा सब पे भारी है, ये याद रखना, सपोर्ट करो मेरे भाई चैतन्य को। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इतना खूबसूरत सोफा सेट है, मतलब एकदम रॉयल फील आता है, राजा महाराजा वालों फील आती है। तो सर ये जो लकड़ा है वो कौन सा यूज किया गया? ये शीशम लकड़ा है। अच्छा। और पहली बात ये बता देता हूँ, वीडियो देख रहे हो, प्रोडक्ट देख रहे हो, आपको प्लाईवुड MDF लोखंड के दाम में ये फर्नीचर देंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत रीजनेबल है, एक्सक्लूसिव है, आपने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया भाई साहब, कहीं भी उल्टी सीधी जगह मत लगाइए, एक बार यहाँ आ जाइए, विजिट करिए, अभी आए हैं इसलिए मैं वीडियो बता रहा हूँ। बहुत इसमें मेरे पास 2000 से ज्यादा कपड़े के कलर हैं, पॉलिश के कलर बहुत अलग अलग हैं, आप जैसा साइज बोलेंगे वैसा करके देंगे। जैसे आपने कहा कि जो जो लकड़ा रहता है वो सालों साल तक चलता है। हाँ, सालों साल। हाँ, तो जो आपने पेंट लगाया है वो नहीं, ये नेचुरली है, अब नॉर्मली हम कोशिश करते हैं नेचुरली रखें, मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ, आप भी कहीं से भी फर्नीचर ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हो, तो कोशिश करिए नेचुरली, नेचुरल रखेंगे तो उसको मेंटेनेंस नहीं आता है। जब आप कलर को चेंज कराते हैं, ब्लैक कराते हैं या कोई और भी व्हाटएवर कलर, तो उसमें आपको मेंटेनेंस आता है, हर 6 महीने में आपको पॉलिश वाले की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब लकड़ी का ही कलर यूज करेंगे तो फिर तो मेंटेनेंस आता ही नहीं। तो कहीं भी आपको फर्नीचर लेना है तो जीरो मेंटेनेंस वाला लेना है। ये जो कपड़ा आपने इस्तेमाल किया है पिलोस पे या फिर जो कुशन हो गया उस पे, तो ये मतलब कहाँ से? ये कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, वॉशेबल रहता है, आप इसे वॉश भी कर सकते। अच्छा, निकाल सकते? हाँ, निकाल सकते हैं। और ये सब हमने इसमें कुल्टिंग किया है, अंदर बटन लगाए हैं। हाँ। और ये अकॉर्डिंग आपके थीम के हिसाब से हम बना के देंगे, जैसा भी आप अकॉर्ड बोलते हो थीम, जैसा आपके घर का थीम है वैसा हम करके देंगे। अगर सपोज आपका कलर, वॉल का कलर कैसा है, डार्क है, तो मैं आपको एक सजेशन ये भी दूंगा वीडियो पे कि कभी भी आप फर्नीचर ले रहे हो, सोफा ले रहे हो, आपका जो वॉल का कलर आता है, क्या होता है, हम फर्नीचर बहुत अच्छा ले लेते हैं लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कलर कंट्रास्ट का खेल होता है। आपके घर के दीवार का कलर लाइट है ना सपोज पीछे का, तो सोफे का कलर डार्क लीजिए, और अगर दीवार का कलर डार्क है तो सोफे का कलर लाइट लीजिए, कंट्रास्ट में रखिए, जिससे आपकी सोफे की भी ब्यूटी आती है और रूम आपका बड़ा दिखता है। आप दोनों दोनों डार्क रखेंगे तो वो मजा नहीं आता, और दोनों दोनों लाइट रखेंगे तो वो मजा नहीं आता है। तो ये आपको सजेशन दे रहा हूँ, पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, और बहुत कुछ आने वाले आगे। ये जो आप सपोज मैंने अभी ये फर्नीचर खरीद लिया, सोफा सेट खरीद लिया, तो आप मतलब आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करते हो? मतलब कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ खराब हो गया वगैरह? आपके बच्चों के बच्चे यूज करेंगे, इसको कुछ आता ही नहीं प्रॉब्लम, बिकॉज वुड है। अच्छा। आप 5000 साल पहले भी वुडी था, आज भी वुडी है, और आगे 5000 साल बाद भी वुडी है, ये खत्म नहीं होता है, ये इसकी ब्यूटी है, बहुत प्यारा चीज है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मजा आ जाएगा, घर पे रखोगे, बैठ के भी बताता हूँ, कंफर्टेबल भी बहुत है, आपको फील लगेगा, अगर आप पैसा दे रहे हो ना तो लगेगा कि कुछ चीज ले रहे हो, ऐसी चीज है, मजा आ जाएगा, कंफर्टेबल का बाप है, फील होता है कि आप किसी पे बैठे हो कुछ।
सर ये जो सोफा सेट है आपके जितने भी शॉप में अवेलेबल है, तो मतलब रफ आइडिया क्या है? हमारे पास स्टार्टिंग जो है वैसे साइज के ऊपर रहता है प्राइस। अच्छा। और कलर, कपड़ा, फैब्रिक, गादी, कुशन, आप कैसा लगाते हो, पॉलिश का कलर, उसके हिसाब से प्राइस अप और डाउन होते हैं। बट अच्छा सोफा लेंगे, सॉलिड स्ट्रॉन्ग सोफा लेंगे जो आप 50 साल भी कुछ ना हो लकड़ी को, वो 63,000 से हमारे पास स्टार्ट होता है। 63,000 से हमारे पास ये 3,000 से ज़्यादा वेराइटी है, 12 स्टेट का माल है और ये सब एक्सक्लूसिव है। वो ये जो टेबल है ना वो इतना मतलब जो यहाँ पे जो डिजाइन किए वो इतना मतलब जो पेंट है ना वो इतना ज्यादा चमक रहा है ना, मतलब देख के मजा आ जाता है। वहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी सोफा है वहाँ पे जो कार्विंग्स की गई हुई है वो इतनी ज्यादा बढ़िया लगती है। जो डिजाइन देख सकते हो आप, मतलब इतनी आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे ना, मतलब भाई मजा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सोफा सेट है ना, मतलब सेम जो मैंने आपको टेबल लिखा है ना प्रीवियसली, तो सेम वैसे ही डिजाइन का है। इसका भी जो कलर है ना वो मतलब इतना ज्यादा चमक रहा है ना, तो ये भी आई गेस शीशम का ही है ना? हाँ जी, 100% शीशम है। और ये पूरा कटवर्क में है, ये आप ये देखिए कैमरा इधर आगे लगाइए, पूरा कटवर्क में है और ये डबल है। इसे आप सीधा रखिए, बैक उल्टा रखिए, दोनों साइड में आप रख सकते हो। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है, इसका उल्टा और सीधा नहीं होता। दादी आने वाला बाकी है। अच्छा, गादी आने वाली है। ये राजवाड़ा सोफा है। अच्छा। और वन ऑफ द हॉट सेलिंग बेस्ट सोफा इन अंदर सैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ बिकता है। इस पे मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है इस सोफे की वजह से। और इसमें साइज, इसमें बेड, अलमीरा, सोफा सब आता है। ये घर पे रखेंगे मजा आ जाएगा ऐसी चीज। इस पे जो पेंट यूज करते हैं वो कौन सा रहता है? नहीं, हम पेंट नहीं यूज करते, हम नेचुरल पॉलिश होता है। अच्छा, पेंट अगर यूज करते हो तो आपका मेंटेनेंस बहुत आता है। जब आप पॉलिश यूज करते हो उसका मेंटेनेंस, तो इसकी वजह से इतना चमक रहा है, इसलिए चमक रहा है। बाकी इसको मैट चाहिए, हम मैट भी करा के दे सकते हैं। बाकी लाइटिंग भी इतनी बढ़िया है ना कि वो और ज्यादा मतलब निखर के आ रहा है बाहर। सेम मतलब सेम यहाँ पे सोफे, सोफा सेट, कुर्सियां यहाँ पे। और ये जो पॉलिश है ना, ये पॉलिशिंग ने की ना अभी जस्ट रिसेंटली। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे सामने की, तो मैंने खुद से देखा कि ये कैसे करते हैं, तो एकदम बढ़िया मुझे इनका। यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, कुछ भी बंद कमरे में नहीं होता है। हमारा फैक्ट्री, हमारा फिटिंग, हमारा कुशन, हमारा पॉलिश, सब कुछ आपके सामने करेंगे। जब आप हमारे यहाँ से फर्नीचर खरीदते हो, एक ये हम लोगों का कोशिश रहता है, हम वीडियो तक प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को वीडियो फोटो भेजते हैं। कोई दुनिया का फर्नीचर वाला नहीं, कोई अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो कोई आपको किचन में नहीं लेके जाता है, आपको वहीं चेयर पर बिठा के खाना खिलाता है। हमारे यहाँ ऐसा है कि हम आपको अपना, हमारा किचन है ना वो फैक्ट्री, तो हम आपको उसकी वीडियो भेजेंगे। आप ये सोफा कैसे बन रहा है, कैसे लकड़ी कट रही है, कैसे कुशन हो रहा है, कैसे पॉलिश हो रहा है, वो सब आपको पता लगेगा। अंधेरे में नहीं कि क्या पॉलिश था, वो पॉलिश बुड्ढे को भी मेकअप किया तो जवान हो जाता है। पॉलिश करने के बाद कुछ नहीं पता है। हम क्या करते हैं, आपको बिना पॉलिश के भी दिखाएंगे प्रोडक्ट, आफ्टर पॉलिश भी दिखाएंगे, तो सब चीजें आपको दिखाएंगे। बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है। आपका घर सजा देंगे, लोग आके पूछेंगे कहाँ से लेकर आए हो, ये क्या चीज लाए हो, आपका ड्रीम हाउस है भाई साहब। कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ऐसा फर्नीचर लीजिए, मजा आ जाएगा। जब प्लाईवुड MDF के दाम में मैं आपको ये दे रहा हूँ तो फिर सोचो मत। एक बार 50 साल दे दिए जिंदगी में इस फर्नीचर को, तो 50 साल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए 50 साल हो गए। लोग 2 साल में शादी छोड़ देते भाई साहब, निकाह टूट जाता है, तलाक हो जाती है, दोस्तियाँ टूट जाती है। 50 साल बहुत लंबा टाइम है, हमने 50 साल दिए कुछ तो बात है। तो आप कहीं भी पैसा लगा रहे, एक बार विजिट करो, सपोर्ट करो हैंडीक्राफ्ट को, सपोर्ट करो टाइगर रनर्स को, सपोर्ट करो चैतन्य को। और आप बाकी सारे भी देख सकते हो यहाँ पे, काफी सारे जो डिस्प्ले पे आप घर पे रख सकते हो जिससे आपकी घर की शोभा बढ़ सकती है, तो वो सारी चीजें। पर्सनली मुझे ये जो तोप वाले ना, वो मतलब इतना बढ़िया लग रहा है ना, जो गोल्डन कोटेड है, मतलब इतना ज्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं, एस्थेटिक वाली वाइब्स देता है। तो सर मैंने आज जो सोशल मीडिया आपका, उसमें मैंने देखा कि पूना वाला सोफा मतलब काफी ज्यादा वायरल गया, वो काफी ज्यादा मतलब फेमस हो गया वो, तो उसके बारे में मतलब बताना चाहोगे? पूना वाला सोफा यही है जो। अच्छा, यही है ये पूना वाला सोफा है हमारा। और इसमें सबसे प्यारी बात क्या है कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको सिंगल, ये किसी क्लाइंट्स ने हमारे से 3+3 बनवाया है। और ये प्योरली हमारा पुणे कर सोफा है और हर पुणे वाले को ये पसंद आता है, इसलिए इसका नाम हमने पुणे ही वाला सोफा रखा है। पिछले 25 साल में हमने ये हजारों सेट बेचे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में गया है, बल्कि बाहर भी भेजा है। तो ये है वो सोफा। तो ये वही कैसा लगा ये जरूर बताना। तो ये वही सोफा है बोलते हैं। हाँ, ये वही सोफा है, क्या बात है, एक नंबर। जर तुम्ही पुणे कर असाल, भी ब्रिज इधर मध्ये राहत असाल, तर लक्की घेऊ शकता सोफा, पुण्याची शान आहे। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो भाई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब इतना ज्यादा चमक रहा है ना भाई,
ये एकदम मतलब शोभा बढ़ा देता है। और ये मेरे को और एक सोफा दिख रहा है यहाँ पे, दो कुर्सियां है, और ये जो बीच वाला मेन सोफा है ना, तो इसका भी मतलब जो डिजाइन है ना, खास करके मेरे को ये जो आप देख सकते हो ये जो डिजाइन है वो इतना ज्यादा बढ़िया लगा ना मेरे को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोल्डन कलर की बॉर्डर की गई हुई है, तो उसकी वजह से वो और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। तो सर मुझे ये पूछना था कि ये जो सोफा है इसकी भी कुछ मतलब हिस्ट्री है या फिर कुछ इम्पोर्टेंस? ये सोफा जो है इटालियन है। अगर आप इटली का सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो इटालियन का जो उनके सांसद भवन है जैसे हमारे हिंदुस्तान में, तो वहाँ पर ये सोफे हैं। अच्छा। तो एक क्लाइंट्स हमारे पास काफ़ी पुराने क्लाइंट्स थे, उन्होंने मुझे फोटो ला के दिया था गूगल से, ये बहुत लॉन्ग टाइम 2015 की बात है। तो ये मैंने वो डिज़ाइन उनको बना के दिया, और तब से लेके 2023 अभी खत्म होने वाला है, ये तब से हमारा सोफा चल रहा है। इसके पीछे ये हिस्ट्री है कि ये इम्पोर्टेड है। मैं जैसे बोला ना आपको, मैं चाइना, मलेशिया, इटली, दुबई, वो सारा फर्नीचर का पैटर्न आपको अपने वुड में अपने देश, हमारा देश कम नहीं है, वो ही करके देंगे। और बहुत रीजनेबल है, जो प्लाईवुड एमडीएफ इंपोर्टेड फर्नीचर आता है उसके भाव में हम आपको ये डिजाइन कर देंगे। बैठ के देखो आप एक बार, जस्ट सीट एंड सीयर बताओ कैसा कंफर्टेबल है ये। वाओ, है ना कंफर्टेबल, ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगा मेरे को। और पैसे मतलब मैं वैल्यू फॉर मनी है। और ऐसे बहुत सारी वैरायटी है, भरी पड़ी है, चकाचक माल भरा पड़ा है, फुल भर पड़ा, मतलब दिन कम पड़ जाए इतना ज्यादा माल है। आप कितनी भी 50 वीडियो बना लोगे तो खत्म नहीं होगा, इतना स्टॉक है मेरे पास। ये बेस्ट, और सारा एक देखोगे तो दूसरा, दूसरा देखोगे तीसरा, मैं गारंटी देता हूँ ऐसा फर्नीचर है आपके बच्चों के बच्चे यूज करेंगे, बच्चों के बच्चे बोलो, बहुत रीजनेबल है। कॉन्टेक्ट करिए, आप काफ़ी सारों के कमेंट्स आएंगे कि हम प्राइस क्यों नहीं बता रहे। प्राइस इसलिए नहीं बता रहे, जितना शक्कर डालो उतना मीठा होता है। अभी ये सोफ़ा है, इस पर कपड़ा आप अभी फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ मीटर कपड़ा लगाए, आप 1000 रुपीज़ वाला लगा दोगे तो 700 रुपये पर मीटर के हिसाब से, 20 मीटर कपड़ा लगा तो 14000 कपड़े पे बढ़ जाता है, पॉलिश पे, गादी पे, फॉर्म पे, थिकनेस पे, तो वो प्राइस कम ज़्यादा होता है। और आपने अगर वो 200 रुपये वाला मीटर कपड़ा कर लिया तो 2000 कम हो जाएगा। तो ऐसा है, तो इसलिए प्राइस नहीं बताते कि कन्फ्यूज़ ना हो, हमारे व्यूवर्स हैं कन्फ्यूज़ ना हो। आपको बस ये गारंटी दूंगा, वीडियो पे वापस बोलो, मेरे प्राइस में आपको कोई नहीं देगा, इंडिया में कोई नहीं देगा, इतना रीजनेबल है। दिया हुआ नंबर है, कॉल ज़रूर करिए। तो अगर आपको कुछ ऐसे आउट ऑफ दी वर्ल्ड सोफ़ा ख़रीदना है जैसे सर ने कहा कि इटालियन स्टाइल में, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो सर ये जो सोफ़ा है ना, इसका जो मतलब क्लॉथ का जो टेक्सचर है ना, वो मेरे को एकदम मतलब बहुत ही यूनिक लगा सब पूरे शॉप में से। तो मतलब इसका कुछ इम्पोर्टेंस वगैरह? नहीं, ये तो क्लाइंट्स ने स्पेशली बनवाया। अच्छा। है और पुणे के ही है। हाँ, यहाँ पर रोज भी मेरे को कार दिख रहा है। हाँ, ये कपिल शर्मा का जो फर्स्ट बना था स्टेज वगैरह। अच्छा। सबसे पहला उसमें ये डिजाइन दिया है, मतलब ये सबसे पहला वाला सीजन। हाँ, पहले वाले सीजन में अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाएंगे, हाँ, वो वीडियो देखेंगे तो यही सेम है, खाली कलर दूसरा। हाँ, हाँ। तो जैसे मैंने कहा था कि इनके जो फर्नीचर है वो कई सारे मूवी सेट में शोज में सप्लाई होते, तो ये उनमें से एक है। तो सर ये जो लकड़ा है वो भी शीशम का ही लकड़ा है? हाँ जी, मोस्टली हमारे पास शीशम में है। अच्छा। बाकी अगर आपको शीशम की जगह सागवान में चाहिए तो भी हम बना के देते हैं, बस शीशम में ही है। अच्छा। और ये जो आपने जो रोजेस कार्व करके रखे, मतलब वो ऐसे चिपका है या कुछ कार्विंग्स किए? ये सब कार्विंग है, ये सब खोद के किया हुआ है, चिपकाया हुआ काम हम नहीं करते हैं। अच्छा। सब टोटली खोद के काम किया। अच्छा। पूरा देखे ना कितना फाइन काम है। हाँ। मतलब अपील है काम में, इसको बोलते फिनिशिंग, इसको बोलते क्वालिटी। घर पे रखोगे बच्चों के बच्चे यूज करेंगे, लोग लाइन लग जाएगी, आप ही छाए रहोगे भाई साहब, आप ही छाए रहोगे, पैसा दे रहे हो ना तो आपका हक है, आपके राइट है। अच्छा फर्नीचर लेना, ऐसा फर्नीचर लेंगे ओ घर में लोग आएंगे बोलेंगे भाई साहब क्या फर्नीचर लेकर, अब तक लोग घर की तारीफ करे थे, फर्नीचर की भी करेंगे आप। और ये जो डिजाइन है, मतलब तो अगर किसी को अगर थोड़ा कस्टमाइज करना है, चेंज करवाना है, तो हाँ, कर सकते हैं कुछ भी साइज आपको, आपको ये 6 फीट है, आपको 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट, 11 फीट, 22 फीट, 25। मैंने बोला ना अभी एक वीडियो में बताया आपको, 22 फीट का हमने सोफा दिया है, जिसका जब हमने डिलीवरी कराई हैदराबाद में गया है तो 17 फीट का ट्रक था और 22 फीट का सोफ़ा था, तो वो बैठ ही नहीं रहा था। फिर हमने उसको जुगाड़ करके, हमारे जो कारीगर नहीं बोलता, हमारे इंजीनियर जो हैं, वो हमारे इंजीनियर लोगों ने उसको सेट करके छोटा किया और फिर वापस फोल्ड करके भेजा और वहाँ जाके फिर उन्होंने फिट किया। तो हैंडीक्राफ्ट में सब कुछ पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते, छोटा बड़ा, लंबा छोटा, जो भी बोलोगे हम करके देंगे। बट देंगे वुड में ही, ना प्लाई का काम करेंगे, ना लोगों का काम करेंगे, ना MDF में काम करेंगे, ना इम्पोर्टेड काम करेंगे, हम काम करेंगे 100% वुड देंगे, शीशम देंगे, सागवान देंगे।
तो जैसे आपने बोला था कि ये कपिल शर्मा में यूज हुआ है, तो मतलब अगर क्योंकि ये कपिल शर्मा में यूज किया है तो उसका कुछ प्राइस ऐसे हाई है या मतलब नहीं, प्राइस रेंज क्या रहेगा? प्राइस हमारा रीजनेबल है, हमें ये यहाँ पर देख कर पुड़िया नहीं बांधी जाती। जो क्लाइंट्स आएगा, आप हमारे यहाँ से एक सोफा लो। सबसे प्यारी ब्यूटीफुल बात अनस हैंडीक्राफ्ट में ये है, ये इस कंपनी में, कि हम सबको एक ही रेट में देते हैं। होलसेल के भाव में मैं आपको रिटेल दे रहा हूँ, मतलब जो 100 पीस में रेट में देते हैं होलसेल, वही हम आपको सिंगल पीस में देंगे। ये सबसे प्यारी बात है, क्योंकि यहाँ पर ना फ्रेंचाइजी है, ना यहाँ डीलर है, यहाँ का ना मिडिलमैन है, ना यहाँ कोई कारपेंटर है। हम बना रहे हैं इसलिए प्रॉफिट कम रखते हैं और आपका फायदा होता है। अरे सर, ये जो फर्नीचर मतलब इतना ज्यादा चमक रहा है, ये मतलब क्या है, पेंट है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ब्रास है। अच्छा, और इसकी वजह से मुझे टाइम्स ऑफ लॉर्ड की उन्होंने अवार्ड दिया है। अभी जस्ट हरभजन जी के साथ मैंने शेयर किया, उदित नारायण जी भी थे वहाँ जी, मैंने देखा, हमने देखा ना, तो वहाँ पे यही सोफे की वजह से हमको अवार्ड मिला है। अच्छा। और ये वाटर प्रूफ है, आप स्विमिंग पूल में डाल देना इसको, कुछ नहीं। और ये जो है सब पीतल है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आ जाइए आप, जादू देखिए आप, पैसा दे रहे हैं ना भाई साहब। ये देखो, इसको पानी में डाल देना, ना कलर उतरेगा ना कुछ उतरेगा। ये इसकी खासियत है, ये इसकी क्वालिटी, पूरा ब्रास है। 17 किलो पीतल भरा है हमने इसमें, 17 किलो। इसके लिए मुझे काफ़ी अवार्ड मिले, काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है। और ये वही सोफा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं भाई साहब, वीडियो पे आपको मैं क्या बताऊँ, आप देखेंगे, आपने देखा नहीं होगा, और देखा होगा तो डैम एक्सपेंसिव है, डैम एक्सपेंसिव है, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों की मिथ्या है कि फर्नीचर शीशम का बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो लोग बोलते हैं शीशम का महंगा होता है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पास आओ, आपको शीशम का सस्ते में दूंगा, ये बात है। और सर, ये जो टेबल है इसके बारे में कुछ आप बताना चाहोगे? ये टेबल फोल्डिंग है, ये ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे पूरा निकल जाता है। और ये सब इंडेक्स, ये भी इसी का है। बाकी इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको थोड़ा छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, वो इसके हिसाब से। ये सोफा भी इसकी खासियत है, ये भी पूरा फोल्ड हो जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है, मतलब कंपैक्टेबल है। तो अगर आपका मतलब घर छोटा भी है या फिर कोई स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रोग्राम वगैरह, तो आप ये इसको एडजस्ट कर सकते हो। जी जी, आराम से एकदम आप सेट कर सकते हो। और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मतलब और भी मतलब निखर के आता है। और इसमें दादी की जरूरत नहीं होती है, ऐसे डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, मतलब अगर किसी को चाहिए तो वो डाल। और बाकी अगर आपको चाहिए तो हम दादी भी दे सकते हैं, वैसे दादी की जरूरत नहीं होती है, दादी अगर चाहिए तो करा दे, ठीक है।